नमस्कार दोस्तों, ऐसे विचार जो आपको बदल दें। नंबर एक, जो सास ससुर अपनी बहू की तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, उनको समझ नहीं सकती, वह कैसे उम्मीद रख सकती है कि अंत समय में वही बहू उनकी सेवा करेगी। नंबर दो, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल आज नहीं तो कल हर हाल में मिलेगा। नंबर तीन, ठोकर गिराने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधारने के लिए और सिखाने के लिए भी लगती है। नंबर चार, जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो फिर भी उससे तुम ही रिश्ता निभाओ, ऐसे रिश्ते किसी खुशनसीब को ही मिलता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। नंबर पाँच, सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं तो याद रखना, नाव डगमगाएगी ज़रूर लेकिन आपको डूबने नहीं देगी। नंबर छः, प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो फिर व्यापार होता है। नंबर सात, जो रिश्ते लायक होते हैं वह आपके आत्मसम्मान की बलि नहीं मानते, रिश्ते का गलत प्रयोग कभी मत करो। नंबर आठ, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते, जीवन में कभी किसी की कोई भलाई व्यक्त नहीं की जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगा वक्त ही जानता है। नंबर नौ, आपकी ज़िंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फ़ैसला नहीं करते। नंबर दस, लोगों को उनकी हरकतों से समझना सीखो, आप उनके शब्दों से बेवकूफ़ बनना छोड़ दें। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। नंबर ग्यारह, एक औरत केवल तलाक जैसा बेहुदा फैसला लेती है क्योंकि उसको घमंड होता है कि उसके माँ बाप उसको पाल लेंगे बिना किसी परेशानी के, परंतु यह भी व्यर्थ सत्य है कि कोई भी ऐसा माँ बाप अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। नंबर बारह, नंद और भाभी का रिश्ता किराए के मकान जैसा होता है, चाहे जितना भी अपना बना लो लेकिन वह पराया ही रहेगा। नंबर बारह, आज के ज़माने में लाखों करोड़ों रुपए शादी में खर्च मत करो, सिर्फ जीवन साथी ढूंढो और बिना पैसे के शादी करो, बाकी बचे पैसे से अपने लिए घर खरीदे और अपने जीवन साथी के साथ सुकून की ज़िंदगी जियो, घूमो फिरो और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करो। आपको अपने जीवन का सफ़र अपना जीवन साथी के साथ करना है। नंबर चौदह, पालतू जानवर में गया जहर आदमी को मारता है लेकिन कान में गया जहर रिश्तों को मारता है। नंबर चौदह, सच्चे रिश्ते की एक खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है। नंबर चौदह, पत्नी की सबसे अच्छी क्रीम उसका पति होता है, जिस दिन उसके पति से उसका आनंद हो जाए तो उस दिन पत्नी का चेहरा खिल उठता है। नंबर सोलह, आज धूप से सुकून है तो कल इसी धूप से जलन भी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि ऐसी ही वीडियो और ला सकें।